अब मेथड क्या है इंजेक्शन के बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे तो के क्या है? या तो इंट्रापेरिटोनियल दिया जाता है या इंट्रा क्रेनियल दिया जाता है इंट्रामर इट इज एडमिनिस्टर्ड इन टू दसल और ज्यादातर कॉडल पेडंकल का इस्तेमाल किया जाता है कॉडल पेडंकल का डोरसल रीजन का इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन लगाने के लिए जस्ट अबो लेटरल लाइन लेटरल लाइन के ऊपर और ये मोस्ट इफेक्टिव है जो इंट्रामस्कुलर है मोस्ट इफेक्टिव मोस्ट इफेक्टिव कहा जाता है इसे है। और ये वाइडली प्रैक्टाइज किया जाता है ये वाला मेथड और दूसरा है दूसरा है हमारे पास इंट्रा पेरिटोनियल इंट्रा यानी कि ये हम देते हैं सॉफ्ट रीजन में सॉफ्ट रीजन क्या है ये बैली पोर्शन है Pelvic fin. Pelvic fin बेस द पेल्विक पेल्विक फिन फिन के और जिसकी वजह से मछली जो है वो मर भी सकती है तो ये ज्यादातर जो है बहुत ही ज्यादा सोफेस्टिकेटेड या जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड हो सोफेस्टिकेटेड वे में दिया जाता है या ट्रेंड पर्सनल ही देता है इसे बहुत uh, जो है कम केसेस में तीसरा जो है तीसरा ये बहुत रेयरली uh, इस्तेमाल किया जाता है इस मेथड को इंट्रा -क्रेनियल।, इंट्रा क्रेनियल में जो है क्रेनियम के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है क्रेनियम के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है इन दिस वेरी प्रोसेस इंजेक्शन इज गिवन थ्रू द क्रेनियम दैट इज ब्रेन के स्कल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है एंड ट इज डन पिशरी एक्सटेक्ट इज एडमिनिस्टर्ड इसके लिए ग्लास किया जाता है ग्रेजुएशन की की uh, हो ऐसी uh, इस्तेमाल किया जाता है uh, ये इंजेक्शन करने के लिए और अब ये एक चीज आप याद रखना ये कभी कभार बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नीडल नंबर 22 है नीडल नंबर 22 हम लोग लगभग एक से लेकर 3 केजी मछली के लिए हम लोग नीडल नंबर 22 का इस्तेमाल करते हैं और नीडल नंबर 19 का इस्तेमाल करते हैं विद इंक्रीज इन साइज यानी कि तीन साल 3 केजी से बड़ी मछली होगी तो उसके लिए 9, 19 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है और ट्वेंटी फोर नंबर नीडल का इस्तेमाल किया जाता है तो ट्वेंटी थ्री के जी फिश के लिए और लगभग नाइनटीन नंबर वाली जो सुई है वो इस्तेमाल की जाती है जब मछली तीन तीन किलो से ज्यादा बड़ी होती है अगर तो अभी बात की थी कि, कि कभी कभार हमें दो इंजेक्शन देने पड़ते हैं Uh, तो दो इंजेक्शन मान लीजिए आपने इस मछली को इस तरफ से इंजेक्शन दिया पहला तो दूसरा इंजेक्शन आप इसे दूसरी तरफ से दे दीजिए अगर पहला इंजेक्शन आपने इसको यहां इस तरफ से में दिया है तो दूसरा दूसरी लेटरल साइड से दे दीजिए यानी कि दो डिफरेंट साइड्स में अगर हम दें तो ज्यादा बेहतर है उससे फिश कम स्ट्रेस में दी है अब देखें अभी मैंने आपसे कहा कि इज वन ऑफ द वन ऑफ दस्ट एंड एंड गिव्स गुड रिजल्ट एंड वट वट Is done here in this case. I shall be telling you that what to do in the non scaly fish and scaly fish. So, the fish not having the scales and the fish having the large scales are uh, many scales. So, if there is a fish um, such as uh, some of the fishes which do not have the scales uh, we give them intramuscular injection just below the tip of the dorsal fin just below the tip of the dorsal fin so we give them injection just below the tip of the dorsal fin or near the caudal peduncle near the caudal peduncle so this very method is uh, used for the uh, non scaly fishes and in the case of scaly fishes just such as we do have the Chinese calf, we do have the catla, we do have the Rohu, we do have the Mrigal. The body cavity is full of the scales. So, what do we do in that very case? The injection is given into the body cavity either behind the base of the abdominal fin, just behind the base of the abdominal fin you are seeing here in the case of scaly fish here abdominal fin just behind the base of the abdominal fin or under the base of the pectoral fin or under the base of the pectoral fin so in the case of scaly fishes these two sites are mostly recommended just that is just under the base of the pectoral fin or just under the base of the pelvic fin so we should be very much careful that uh, to insert the needle beneath the scales and not through them अब देखें ये देखें यहाँ पर स्केल दिखाया भी है कि अगर मान लीजिए इंजेक्शन देने की जरूरत भी पड़ी तो स्केल को के बीच में से नहीं डालना है बल्कि दो स्केल्स के बीच में से आप लोग जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं तो अगर वो वाली नौबत आई तो और इंजेक्शन के दौर, दौरान दौरान ड्यूरिंग इंजेक्शन फिश शुड बी हेल्ड विद स्पॉन्ज मेट्रस तो इसको इसको अगर आप लिटा कर रख रहे हैं तो किसी स्पॉन्जी चीज पर लिटाकर रखें या अपने हाथों में भी कॉटन का कुछ लगा कर रखें ताकि मछली जो है वो फिसल ना जाए देन देर आर डिफरेंट साइड्स ऑफ द इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सो इंजेक्शन इंटू द पेक्टोरल मसल इज द बेस्ट इंजेक्शन पेक्टोरल मसल Is the best injection site for the IM injection. For, for intramuscular injection, pectoral muscles, they are uh, the um, best sites many a times. Uh, although intramuscular injection is good one. So, the, the herein we are seeing that the dorsal muscle injection, this is the caudal peduncle just at the base of the caudal fin. Uh, then we do have the base of the dorsal fin. So, this injection is being given here at the base of the dorsal fin. And this, lastly, this is the injection which is given given at the pectoral fin base. Now we have extracted the pituitary gland, we have preserved the pituitary gland, we have extracted the uh, pituitary pitch gland, we know where to give the injection, now we have injected the calves with the pituitary gland, now we are going for the next, next step, that is the breeding of the uh, calves. So induced breeding of the calves, it starts with the monsoon, um, that is the onset of the southwest monsoon, that is the June, July, June, July. So uh, तो मछलियों को जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सेग्रीगेट किया जाता है उन्हें बड़े अच्छे uh, टब्स में या टैंक्स में या पॉन्ड्स में सेग्रीगेट करके रखा जाता है मेल्स और फीमेल्स को या उन्हें कंडीशनिंग टैंक्स में रखा जाता है तो अब याद रखना है आपको एक चीज और कि जब आप सेट बनाए तो ब्रूडर्स के तो आपको याद रखना है कि वन इज टू टू का रेशो मेंटेन हो वन इज टू टू का रेशो मेंटेन हो यानी कि अगर एक फीमेल आप लोग डाल रहे हैं तो उसके साथ में कम से कम कम से कम दो मेल्स दो मेल्स रखें एक फीमेल के साथ में दो मेल्स या दो से ज्यादा यानी कि तीन मेल्स भी रख सकते हैं ताकि ताकि एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो पाए पौंड में जब हम इन्हें इंजेक्ट के बाद डालते हैं तो इंजेक्टेड बोडेस आर रिलीज इन ब्रीडिंग हापा तो इंजेक्ट जब इन्हें इंजेक्ट किया जाता है तो आप आपसे मैंने कहा कि और फीमेल्स को सेग्रीगेट किया जाता है इन्हें शुरू में सेग्रीगेट किया जाता है इंजेक्शन लगाने के बाद इन्हें वन इंस टू तो टू के रेशो में इन्हें किसी भी टैंक में डाल सकते हैं आप पौंड में डाल सकते हैं या हापा में डाल सकते हैं तो जिस तरह से हम हम लोगों के पास यहाँ पर दिखाया गया है या तो हम इसे अर्दन पौंड में डाल सकते हैं या हम फाइबर ग्लास टैंक में डाल सकते हैं या फिर ये हापा कहलाता है ये कहलाता है हापा, हापा ये ब्रीडिंग हापा क्या है हम इन्हें ब्रीडिंग हापा बोलते हैं ये हापा क्या है ए ब्रीडिंग हापा इज ए बॉक्स शेप्ड क्लोथ एनक्लोजर मेड ऑफ द लॉन्ग क्लॉथ जनरली टू इंटू वन इंटू वन यानी कि टू लेंथ वन ब्रेड एंड वन मीटर डेप्थ तो इस साइज के ब्रीडिंग हापास बनाए जाते हैं जिसमें ब्रूडर्स रखे जाते क्योंकि आप एक मान लीजिए आप कैसे पॉन्ड है आप इसमें ब्रूडर डाला आपने तो जब उन्होंने स्पान किया तो आप आप मुश्किल हो जाता है कि आप ब्रूडर्स को बाहर निकाल सके उन्हें इस अर्दन पॉन्ड में ढूंढें, तो बेहतर होता है कि हम लोग इस पांड में ही मान लीजिए किसी जगह पर हम लोग हापा लगाएं तो उस हापा में हम लोग ब्रूडर्स को रखें ताकि जब हमें उन्हें निकालना हो तो आराम से निकाल सके तो दर फ्लैप इज अटैच टू वन साइड एंड अदर साइड आर इधर टाइड आर बटन तो इन फ्लैप्स को हम लोग रखते हैं साथ में या तो हम इन्हें बांधते हैं टाई करते हैं या फिर बटन करते हैं हापा इज फिक्स इन कैनाल आर पांड आर सीमेंट सिस्टम हम इसे कैनाल में पांड में या सीमेंट सिस्टम में भी रख सकते हैं बॉटम एंड फोर टॉप कॉर्नर्स आर टाइट टू दूल ये ये देखें ये ये टॉप कॉर्नर है ये बॉटम कॉर्नर है तो इन इनको भी टाई किया जाता है ताकि ढीले ढीले ले ना पड़ जाए एंड इट शुड नॉ ट्राउंड लेवल के ऊपर होना चाहिए क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब इंजेक्शन लगाने के बाद मछलियां स्टिमुलेट हो जाती हैं वो ज्यादा एग्रेसिव भी हो जा हो सकती है या वो छलांग मारकर बाहर भी निकल सकती है द्ले दैट इज वाई वी वी टेक अप दी हापा वन थर्ड ऑफ दापाजन अप्रॉम दी वाटर लेवल जब आपने इंजेक्शन लगाना है तो डोज कैसे आप कैलकुलेट करेंगे मैंने आपसे कहा कि जब आप मेल्स और फीमेल सेग्रीगेट कर रहे होते हैं तो आप जो है आपने इन मेल्स और फीमेल्स को वे भी करना है वेइंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप लोग डोज, डोज जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं और डोज जो है वो दी जाती है मिलीग्राम पिछड़ी पर के जी बॉडी वेट के हिसाब से तो फीमेल्स के केस में मैंने आपसे कहा कि टू इंजेक्शन आर गिवन टू द फीमेल्स, द फर्स्ट इंजेक्शन के केस में टू टू थ्री मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट और सेकेंड इंजेक्शन के बाद फाइव टू एट के जी मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जैसा कि हमने डिस्कस किया जस्ट इट इज फॉर रिविजन एंड मेल्स मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट साइमिलेशन इज गिवन टू द फीमेल एंड वेरी राइट राइट ब्रूड फिश राइट ब्रूड फिश नीड स्मॉल डोज फॉर स्पर्निंग तो अगर तो बहुत ज्यादा राइप है फिश तो हम डोजेज को कम भी कर सकते हैं that, uh, that very idea comes with the experience. अब हमारे पास प्रोपगेशन इसको हम प्रोपगेट कैसे करते हैं हम मछली को कैसे प्रोपगेट करते हैं कि वो ब्रीड कर सके जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास कई तरीके हैं एंड चूजिंग अमंग देम डिपेंड्स ऑन द रिप्रोडक्शन बायोलॉजी ऑफ द स्पीशीज ऑन लोकल एनवायरमेंट सो एक तो हमें ब्रीडिंग बायोलॉजी के बारे में रिप्रोडक्शन बायोलॉजी के बारे में फिश का पता होना चाहिए लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए और फैसिलिटीज अवेलेबल के बारे में हमें पता होना चाहिए तो हम फिश को ब्रीड करवा सकते हैं अच्छा कुछ के केस में हम लोग कहते हैं कि नेचुरल प्रोपागेशन अब ये नेचुरल प्रोपागेशन क्या है हम ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन चुरल प्रोपगेशन में क्या किया जाता है मेल्स और फीमेल्स को हम टुगेदर रखते हैं ये आगे हमारे पास कोई पॉन्ड है हम उसमें मेल मेल और फीमेल को हम लोग इकट्ठे रखते हैं मेल और फीमेल्स को हम लोग इकट्ठे रखते हैं तो एनक्लोजर uh, में रखते हैं और हम क्योंकि ये फिश वैसी फिश होती है जो कन्फाइंड एनवायरमेंट में भी ब्रीड कर जाए तो इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं हम इसे कन्फाइंड एनवायरमेंट देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ब्रीड करते हैं जैसे कि टिलेपिया तो हम इसे नेचुरल प्रोपोगेशन बोलते हैं अब दूसरी चीज जो आती है वो है एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन एक तो हम उसे एज इट इज रखते हैं और वो ब्रीड कर लेते हैं वो नेचुरल प्रोपोगेशन है और एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन दूसरा है तो एनवायरमेंटल के मैनिपुलेशन के केस में हम लोग एनवायरमेंटल जो एस्पेक्ट्स है तो उनको हम लोग कंपनसेट uh, करने की कोशिश करते हैं वेयर इन सर्टन स्पीशीज में रिक्वायर सम एडिशनल एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन जैसे कि इनफ्लो वाटर का सडन राइज पॉन्ड लेवल का हम लोग वाटर वाटर फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं वाटर लेवल को इंक्रीज कर लेते हैं और ग्रासी वेजिटेशन थोड़ी सी डाल देते हैं जिन्हें हम एग कलेक्टर बोलते हैं तो अगर हम वाटर uh, लेवल को इंक्रीज करते हैं वाटर फ्लो को मेंटेन करते हैं ग्रासेस uh, डालते हैं तो यानी कि हम एनवायरमेंट को मैनिपुलेट करते हैं तो ऐसी मछलियों मछलियां जैसे कि अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस कॉमन कार्प अमेरिकन और यूरोपियन कैट फिश एक्टेलोरस और सिल्यस ऐसी मछलियों के केस में अगर हम एनवायरमेंट को स्टमुलेट स्टिमुलेट करें तो ये मछलियां ब्रीड कर पाती है तीसरा है सेमी नेचुरल प्रोपगेशन इसमें हम क्या करते हैं हम इंजेक्शन वन इंजेक्शन टू फीमेल्स व्हाट वी गिव वी गिव अंडर दिस वेरी कंडीशन वी गिव

वो एनक्लोजर भी हो सकता है कोई भी जहां पर हम ग्रासेस वगैरह को रखें या वीड्स वगैरह को रखें एंड इंजेक्ट वन ऑफ दीमेल एंड इट इज रिलीज इन दैट वेरी कंफाइंड वाटर देन इट इज कॉल्ड सेचुरल प्रोपगेशन देन फोर्थ वन इज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन वट इज डन इन द केस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन the females are given one or more injections of the chemicals which regulate the final uh, ripening of the dormant eggs so the eggs were dormant in this very case we give two injections to the female and one injection to the male and that is why we call it the artificial propagation and we also call it as the induced breeding actual induced breeding and here in eggs are artificially fertilized with sperm obtained from the males and reared under controlled condition so uh, what is done in this very case artificial propagation the in, after uh, giving injections even though they are unable to release the eggs then we strip them they are stripped that is we press the belly we of the males and females the female um, we uh, we uh, just try to take away the eggs take the eggs of the uh, females in the tray and then we take up the males we press the belly and the milk is released and mixed with the um, uh, with the eggs of the female so each of these propagation method it is controlled by series of environmental factors and these, those are the environmental factors such as water temperature, dissolved oxygen, light, presence of males and fem females, uh, presence of vegetation, chemical injection is given. so uh, we maintain all these very things. in under the natural condition, under the natural propagation, no uh, um, factor is controlled. under the semi-natural condition, water temperature, dissolved oxygen, and chemical injection is given, one. and under the artificial propagation,

दी पोटेंशियल ब्रूड फिशेस टू सिक्स प्रायर टू ब्रीडिंग जिन मछलियों को इंजेक्शन लगाना है उन मछलियों को लगभग एक के जी की मछली होनी चाहिए और पांच से छह महीने जो है ब्रीडिंग सीजन से पहले उन्हें बहुत ही अच्छी देखभाल से उन्हें पालना है उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है देन मैचोरिटी मैच्योरिटी स्टेटस इज पीरियाली एग्जामिड इंजेक्टेड मेल एंड फीमेल ब्रूड फिशेज आर रिलीज इन द्रीडिंग हापा एंड प्रपेयर्ड एट दॉर्नर ऑफ द पॉन्ड सो ये मैं पॉइंट पीछे बताना भूल गया तो इसलिए मैंने यहां पर बताया कि जो पोटेंशियल ब्रूड फिशेज हैं जो एक किलो से लगभग ज्यादा हैं उन्हें ही हम लोग पांच से छह महीना पहले सेग्रीगेट करके उनका बहुत ही अच्छी तरह देखभाल करते हैं उनके हेल्थ स्टेटस का ख्याल रखते हैं उनकी मेचोरिटी स्टेटस को पीरियडिकली एग्जामिन करते हैं ताकि फिर हम उसे इंजेक्ट करके हम लोग हापाज में उन्हें ट्रांसफर कर सकते अब आता है हमारे पास ब्रीडिंग एंड स्पानिंग अब ये हापा में इन्हें डाल दिए ये बीच में मैंने आपको प्रोपगेशन का के पॉइंट्स बता दिए थे तो अब इन मछलियों को जिन्हें आपने इंजेक्ट किया उन्हें हापा में डाला तो अब क्या होता है कि शुरू हो जाती है लगभग से छह इंजेक्शन तो या, आपको याद होगा कि फीमेल्स के केस में हमने 5 टू 8 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंजेक्शन लगाया उसके उसके लगभग तीन से छह घंटे के बाद जो है वो ब्रीडिंग स्टार्ट होती है सेक्सुअल एक्टिविटीज मैनिफेस्ट बाय जंपिंग एंड डार्टिंग मूवमेंट्स तो हमें कैसे पता चलता है कि हाँ जो इंजेक्शन है वो असर कर रहा है असल में ब्रूड ब्रूड फिश है ज्यादा रेस्टलेस हो जाती हैं उसकी वजह से वो जंप करती हैं डार्टिंग मूवमेंट शो करती हैं और जो मेल है वो फीमेल को चेज करता रहता है उसके पीछे भागता है और इस स्टूमुलेशन की वजह वज, से फीमेल्स जो है वो एग्स रिलीज करती है और जब भी फीमेल्स एग्स रिलीज करती है तो उसकी वजह से मेल ट्यूमुलेट हो जाता है और वो मिल्ट रिलीज कर लेता है द एग्स आर इन वाटर अब हम क्या करते हैं कभी कभार कि जो एनक्लोजर है हम लोग उस एनक्लोजर से हम लोग उन अंडों को निकालने की कोशिश करते हैं या कभी कभार हमने उन एनक्लोजर में एग कलेक्टर्स रखे होते हैं एग कलेक्टर्स हम किन्हें कहते हैं वो वीड्स वो वीड्स जिनके साथ में मछलियां अंडे देती हैं जिनके साथ में मछलियां अंडे चिपकाती हैं यानी कि कुछ अंडे स्टिकी होते हैं ये हम आगे भी पढ़ेंगे कुछ अंडे स्टिक होते हैं और वो इन प्लांट्स के साथ में इन वीड्स के अंडर साइड में वो स्टिक हो जाते हैं तो हम हमें क्या करना पड़ता है इन वीड्स को बाहर निकालना होता है और उनको इनसे ब्रश अप करना होता है इन अंडों को और जमा करना होता है तो जब हम निकालते हैं अब एक पहचान और है कि ट्रांसपेरेंट है या फर्टिलाइज है या नहीं है तो फर्टिलाइज एग्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं स्वेल हो जाती है और डायमीटर 3.5 से 5.5 पॉइंट एम हो जाता है याद रखना ये बहुत बड़ी जो क्वेश्चन है? है वो वाइटिश कलर का हो जाता है ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक हो जाता है मगर जो फर्टिलाइज एग है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है स्वेल हो जाता है और डायमीटर 3.5 टू तो 5.5 पॉइंट mm हो जाता है फीमेल कैटला की अगर हम बात करें लगभग 0.15 टू तो 0.2 पॉइंट मिलियन एग्स देती है 0.5 मिलियन का मतलब 1.5 लाख 1.5 लाख की अगर हम बात करें तो 2 लाख uh, कैटला के केस में 0.15 टू 0.2 मिलियन रोहू के केस में 0.2 टू 0.3 मिलियन यानी कि दो से तीन लाख और मृगल के केस में 0.7 मिलियन एग्स जो होते हैं सिंगल स्पान में रिलीज करती है लगभग सात लाख अंडे आफ्टर दी एग्स

उनमें क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस होता है और दे लुक लाइक पर्ल्स दे लुक लाइक पर्ल्स और इन्हीं पर्ल्स को फिर ट्रांसफर किया जाता है हैचिंग हापाज में तो इन पर्ल जैसे अंडों को हैचिंग हापाज में ट्रांसफर किया जाता है जबकि जो भी वो अंडा जो अनफर्टिलाइज है जिसे हम बैड एग बोलते हैं वो ओपेक हो जाता है व्हाइट हो जाता है और न्यूक्लियस जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है लगभग एक घंटे में और इनको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम इनको नहीं निकालेंगे तो जो है ये वाटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हर वो डेड एंड डिकेंग मैटर बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है तो इस वजह से हम लोगों का जरूरी है कि हम लोग जो अनफर्टिलाइज बैड एग्स हैं उन्हें सेग्रीगेट करें फर्टिलाइज एग्स से और फर्टिलाइज एग्स को हम ट्रांसफर कर दें हैचिंग हापास तो ये सब चीजें थी हाइपोफाइजेशन की ये टेक्निक की तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग जानेंगे कि सिंथेटिक हार्मोन्स से कैसे हम लोग ब्रीड करवा सकते हैं ये था हाइपोफाइसेशन से कैसे ब्रीड करवाते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम जानेंगे कि सिंथेटिक हार्मोन से कैसे ब्रीड कर, कर, करवा सकते हैं और कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रीडिंग के लिए और किन फैक्टर्स को हम लोग स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं फैक्टर, किन फैक्टर्स को हम लोग रिप्रेसिव फैक्टर्स बोलते हैं तो और ये बान ब्रीडिंग यानी कि बान ब्रीडिंग ड्राई बान ब्रीडिंग और वेट बान ब्रीडिंग ये क्या होती है ये हम नेक्स्ट टाइम जानेंगे थैंक यू आप जुड़े रहिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट से मैंने उर्दू में बनाना शुरू कर दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि आप उर्दू में भी समझाइए तो इस वजह से ये मेरा पहला लेक्चर है जो उर्दू में है उम्मीद तो है कि आप लोगों को पसंद आया होगा